गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है लॉन्जियानस। लॉन्जियानस एज ए क्रिटिक, वो भी उनका एक जो कंसेप्ट ऑन द सबलाइन के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लॉन्जियानस एज ए क्रिटिक, नोन एज द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक, लॉन्जियानस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल राइटर्स लाइक अरिस्टोटल एंड प्लेटो। देखिए, अरिस्टोटल प्लेटो ये बहुत ही महान क्रिटिक आलोचक माने जाते हैं, इनके बाद लॉन्जियानस का नाम आता है, लेकिन ये पहले रोमांटिक क्रिटिक माने गए लॉन्जियानस। और ये इन सबसे बिल्कुल अलग है। अब क्यों अलग है? देखिए, बिकॉज ही डज नॉट आस्क वेदर लिटरेचर इज गुड फॉर सोसाइटी, क्योंकि कभी भी इन्होंने इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा कि समाज के लिए साहित्य अच्छा है। नॉट डज ही वरी टू मच अबाउट हाउ जेंट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम नहीं कभी इन्होंने इसके बारे में ये चिंतित हुए कि किस तरीके से विधाएँ एक दूसरे से अलग होती हैं, और हाउ ए प्रॉपर प्लॉट शुड बी कंस्ट्रक्टिव, प्लॉट मीन्स होता है कथाना। और ना ही कभी इन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया कि किस तरीके से उचित कथानक को निर्माण किया जाए। बट ही इज मच मोर इंटरेस्टेड इन द क्वेश्चन ऑफ व्हाई वी रीड इन द फर्स्ट। लेकिन हमेशा उनका एक ही प्रश्न था कि सबसे पहले स्थान पर हम क्यों और क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। फिर इनका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन फैक्ट ही टेल्स द रीडर्स अबाउट गुड राइटिंग, वास्तव में ही पाठकों को बताते हैं कि अच्छी राइटिंग क्या है। विच एम्स टू हैव द क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस एंड अबलाइन एंड अचीव सबलाइन। सबलाइन का मतलब तो उत्कृष्टता को हासिल करना, तो जिसमें महानता का गुण पाया जाए जिस राइटिंग में, और उत्कृष्टता को प्राप्त किया जाए या जिसमें उत्कृष्टता की उपलब्धि हो, जो मौजूद हो उत्कृष्टता, उसी राइटिंग को कुछ कहा जाता है। दैट्स व्हाई सेंसबरी प्रेफर्स टू कॉल हिम द रोमांटिक क्रिटिक, इसीलिए सेंसबरी ने इनको रोमांटिक क्रिटिक कहा है। एंड राइस रॉबर्ट्स आल्सो रिमार्क्स ही इज सब्जेक्टिव रादर दैन ऑब्जेक्टिव। और जो राइस रॉबर्ट्स हैं, उन्होंने भी कहा है अपने कथन में कि वह सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मतलब तो व्यक्ति परक है, रादर दैन ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो व्यक्तिवादिता पर ज़्यादा ध्यान देते। He is an enthusiastic, वो उत्साही है, and rather than analyze, यानी वो विश्लेषण इतना नहीं करते जितना वो enthusiastic हर चीज़ के प्रति उत्साह को समर्पण करते हैं। Longinus is also called the most modern critic. Longinus जो एक सबसे आधुनिक आलोचक भी माने जाते हैं, for introducing practical criticism, क्योंकि उन्होंने practical criticism यानी व्यवहारिक आलोचना को introduce किया है, जो कि किसके ऊपर आधारित है, analytical विश्लेषणात्मक, एंड इंडक्टिवल आवर जो आगमन के जो मेथड होते हैं, जो विधियाँ होती हैं, उनको भाई प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आधारित, इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इनको मोस्ट मॉडर्न आलोचक कहा जाता है। हिज कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिसिज्म इज वेरी प्रीशियस, उनका जो सहयोग है आलोचना क्षेत्र में बहुत ही कीमती है। द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ लॉन्जियानस एज ए क्रिटिक इज हिज ऑब्जेक्टिविटी एंड लिबरल एटीट्यूड टू लिटरेचर, साहित्य के प्रति उनका उद्देश्यात्मक दृष्टिकोण का होना और उदारवादी दृष्टिकोण होना, यही इनका सबसे महान गुण है। His utmost emphasis is on the concept of transport, और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने किसी एक विचार पर या किसी धारणा पर जो जोर दिया है, वो है ट्रांसपोर्ट, एक ऐसी राइटिंग जो हमें ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। That comes from the great writing of a novel mind, जो कि हमेशा एक अच्छे दिमाग जिसमें अच्छा दिमाग, एक नोवल माइंड जिसमें अच्छे विचार आते हैं, जब अच्छे दिमाग वाली की राइटिंग से कुछ जब अच्छा निकलता है, तो वही राइटिंग हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। हिज एसेज ऑन एलिवेटेड और ग्रेट राइटिंग, उनका जो ऐसे है एलिवेटेड विकसित और ग्रेट राइटिंग के ऊपर एक ऐसे है, वेरी हेल्पफुल। आज किसी बताता है डेट सब्लिमिटी हैज़ ए पावरफुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द रीडर, कि जो सब्लिमिटी जो उत्कृष्टता होती है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रभाव रखते हैं पाठकों के ऊपर। वी आर कैप्टिवेटेड, हम बंसीभूत हो जाते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड टू ए डिफरेंट रियल, पर एक हम अलग क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। हिज ऑन द सबलाइन इज एन इमॉर्टल क्रिटिक डॉक्यूमेंट ऑफ ग्रेट वर्ड एंड सिग्निफिकेंस, उनका जो ऑन द सबलाइन एक ऐसा अमर आलोचनात्मक दस्तावेज है जिसमें ग्रेट वैल्यू सिग्निफिकेंस प्रिंसिपल ऑफ सबलाइन इन द वर्ल्ड ऑफ राइटिंग, और लेखन के क्षेत्र में ये उत्कृष्टता के सिद्धांत को बताता उससे संबंधित है। और आज हम इस वीडियो में केवल इतना ही समझेंगे, नेक्स्ट इसके अगले पार्ट में हम तो सब्सक्राइब करते जाएंगे।